हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हमारे यहाँ रसोई में बनने जा रही है शलजम की भुजिया और चावल की रोटी। ये शलजम ले लिए हमने, अब इसे छोटा छोटा काट लेंगे हम। इसके पत्तों को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए हमारी दीदी बारीक बारीक काटेंगे दराती से पतला पतला। और आप मेरा पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। और आपको हमारा वीडियो अच्छा भी लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए हमारा बिल्कुल पतला पतला सा कटकर तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं लगा रही हूँ इधर चूल्हे पर चौका। हमने रात लीपा था, ये गीला था तो इस वजह से रात नहीं लगाया था चौका। अब चौका लगा रहे हैं। दीवार का पीछे का डिजाइन हमने कल बनाया है। हमारी पहले दीवार ईंटों की थी, दिख रही थी वो अच्छी नहीं लग रही। अब मैंने इस पर डिजाइन बनाया है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। देखिए साग कट कर तैयार है। मैं लगा रही हूँ उजीना। लग चुका है उजीना। अब दीदी जला रही है आगे। कुकर पर लेप लगा लूंगी क्योंकि कुकर पर लेप लगाने से कुकर काला नहीं होगा और जल्दी बन जाएगा, साफ हो जाएगा ये। और कुकर में बनाने से ये सब्जी जल्दी गल जाती है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है शलजम सीजने में। देखिए लेप हमारा लग चुका है। दीदी इसमें शलजम डालेंगी कुकर में। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, दो सीटियों में ही हो जाती है ये। देखिए लगा दिया ढक्कन। इधर मेरी बेटी और दीदी दोनों लहसुन छील रही हैं। देखिए अब दीदी डालेंगी दाल इसमें। ये उड़द की दाल है, हम शलजम में उड़द की दाल डालते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें मिर्चा लिए, मैंने मिर्चों को पीसूंगी, मिर्चा लहसुन और नमक लिए सूखा सूखा पीसूंगी इसे। इसमें पानी नहीं डालना है और दरदरा पीसूंगी मैं इसको। ये पीस चुकी हैं। अब मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। देखिए दीदी निकाल रही है शलजम कुकर में से, गल गई है ये। देखिए मैं इसे निचोड़ लेती हूँ, ठंडा हो गई है। अब निचोड़ लेती हूँ इसका पानी, पानी निकाल दूंगी इसका मैं। देखिए वो अच्छे से पानी निकालना, पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें जो मिर्चे मैंने पीस रखी थी वो मिर्चे डाल दूंगी मैं इसमें। इधर दीदी आगे चला रही है, कढ़ाई रखूंगी चूल्हे पे। वो मैंने नमक मिर्चे सब डाल दिए, मिला लूंगी अच्छे से। अब मैंने डाला है कढ़ाई में तेल, जीरा डाल दिया है मैंने, लहसुन डाल दिया इसमें। देखो हम दोनों मिलके बना रहे हैं रसोई। थोड़ा काम दीदी करती है, थोड़ा मैं करती हूँ। अब डाल दी है मैंने प्याज, हल्का भूनूंगी इसको भी। बहुत अच्छी लगती है खाने में, खास करके चावल के आटे से रोटी बनी हो तब बहुत अच्छी लगती है उसे। चेक कर देखूंगी कैसी सीखती है। दीदी कह रही चलो डाल लो एक रोटी। दीदी डालेंगी रोटी, कह रही लाओ मुझे दो मैं सेकूंगी रोटी।
परोसते भी जा रहे हैं, खाने वाले खाते भी जा रहे हैं। देखिए हमारी अब रोटी बनकर तैयार है, सलजम और बगत की रोटी। थैंक यू आप सभी का।